गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, माई सेल्फ राजेश डिक्रूज, आई वेलकम यू टू द ई लर्निंग क्लासेस प्रोवाइडेड बाई सेंट माइकल्स अकेडमी बेतिया। ओके चिल्ड्रेन, सो टुडे वील हैव सिविक्स क्लास सिक्स लेसन डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशंस एंड इक्वालिटी। ओके चिल्ड्रेन, देन इन दिस लेसन फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशंस। चिल्ड्रेन, यू शुड नो दैट इन इंडिया देयर आर 8 मेजर रिलीजियंस एंड ऑल्सो इन इंडिया पीपल स्पीक 23 मेजर लैंग्वेजेस एंड अकॉर्डिंगली देयर आर 1650 डायलॉग्स। बिसाइड दैट देयर आर सो मैनी कास्ट्स रेशियल्स, देयर इज हंड्रेड ऑफ डांसेस फॉर्म्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक्स। दिस ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हाउएवर चिल्ड्रेन, अर्लियर इन द प्रीवियस लेसन्स वी हैव टॉक्ड देयर इज यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, बट इन दिस लेसन वी विल टॉक दैट डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज अप्रिशिएटेड बिकॉज वी डोंट फील कंफर्टेबल एंड सिक्योर व्हेन वी मीट विथ दोज पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वियर डिफरेंट ड्रेसेस, डिफरेंट डांसेस, म्यूजिक्स एंड ऑल्सो आर डिफरेंट कास्ट और रिलीजियंस। वी लाइक टू मीट दोज पीपल एंड वी आर मोर कंफर्टेबल विद दोज पीपल हु आर लाइक टू अस स्पीकिंग सेम लैंग्वेजेस लाइक मी, वियरिंग सेम ड्रेसेस एज मी एंड लिविंग एंड बिहेविंग सेम टू सेम एज वी लिव एंड वी आर मोर कंफर्टेबल एंड मेक फ्रेंड्स विद दिस गाइस। दैट इज वाई वी से दैट ऑल द टाइम प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट गुड। नाउ वी विल सी हाउ पीपल क्रिएट प्रेजुडिस, वाई and how. This one we will see with a example. Suppose a person, Ram Kripal, who lives in a village, and he has heard and think that town people, cities people are cunning, proud and dishonest. They are not helpful. In the other hands, there is another person, Ajay Kumar, who lives in town, and he has heard about village people, that village people are very simple, they are very honest, as well as not cunning and not proud. But when they visit to other places, like Ram Kripal goes to the town and Ajay Kumar goes to the village, they found there is fully difference. Whatever they think, that is not true. So that means whatever we think, whatever Ram Kripal thoughts about the town people and what about the Ajay Kumar thoughts about the village people is called prejudice. That means the people we think of is not true and the same as we think. So children, when people have prejudices in religion, religious beliefs, customs and lifestyles, this is not good because
दिस प्रोड्यूसेस अफेक्ट द रिलेशनशिप विथ ईच अदर एंड मे इवन हर्ट पीपल्स समटाइम्स दे कैन ब्रेक अप सेंटिमेंट्स ऑफ अदर पीपल एंड ऐड टू टेंशन. ओके चिल्ड्रेन, नेक्स्ट टॉपिक विल टॉक अबाउट क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप. समटाइम्स वेन वी डेवलप अ नेगेटिव ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग वी एंड अप क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप. चिल्ड्रेन, वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप वेन वी थिंक ऑफ अबाउट ए पार्टिकुलर रीजन, रिलीजियन और अ ग्रुप दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस. दे आर लेजी, दे आर कनिंग, दे आर नॉट वेल बिहेव्ड, दे आर नॉट ऑनेस्ट. सो वी आर क्रिएटिंग अ स्टीरियोटाइप. दिस इज कॉल्ड अ स्टीरियोटाइप. वॉट एवर वी थिंक दैट इज नॉट ट्रू. ओके, विल सी वन एग्जाम्पल. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टीरियोटाइप इज द प्रेजुडिस रिलेटिंग टू अ जेंडर डिफरेंसेस. वी हैव ऑफन हर्ड पीपल टेलिंग अ बॉय दैट बॉयज डोंट क्राई. दैट इज वाई वेन अ बॉय क्राई पीपल से डोंट क्राई बिकॉज ही इज अ बॉय एंड बॉयज डोंट क्राई. इन द सेम वे टू द गर्ल्स, वेन अ गर्ल इज स्पीकिंग लाउडली वी हैव हर्ड टेलिंग पीपल टू द गर्ल दैट गर्ल्स शुड नॉट स्पीक लाउडली. गर्ल्स शुड स्पीक पोलाइट बिकॉज शी इज बींग अ गर्ल सो शी हैज टू बी अ पोलाइट. इन द सेम वे बींग अ बॉय शुड नॉट क्राई. वाई डू द पीपल स्पीक दिस वे? बिकॉज दे थिंक दैट बॉयज आर ओनली स्पीक राउडली. बॉयज आर रूडी सो दे कैन स्पीक लाउडली एंड रिगार्डिंग द गर्ल्स, गर्ल्स शुड स्पीक पोलाइट बिकॉज दे आर बींग अ गर्ल. सो चिल्ड्रेन, वेन दिस चिल्ड्रेन ग्रो अप, अ बॉय ट्राई टू बिकम हार्ड, टफ and rudely. Also, when a time comes to cry, he doesn't cry. In the same way, a girl are made to feel guilty if they play pranks and act in a manner not to consider appropriate for a girls. Okay, children. This type of discrimination and prejudices is even seen at home also. When a guest come at home, boys are told to go out to buy cold drinks and girls are told to help her mother to serve the guest. So, in this way, from the childhood, from the home only, boys and girls are told to behave and undertake responsibility in a certain manner right from childhood. So this is creating prejudices and stereotypes. Okay children, so whatever we have talked about prejudices and stereotypes, there is a fill in the blanks in the last paragraph. This is your homework. Whatever you think this works belongs to, you have to write those words. All those words are given in the fill in the blanks above. So do it in the SW copy and keep ready for the corrections. Okay children, thanks for watching my videos. If you like my video, please share it and subscribe it. Thank you very much.